Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to our new blog. Hope you all are doing good in this situation. तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ. तो स्पेशली आज ब्लॉग में आने का कारण ही है कि मैं एक बंगाली डिश बना रही हूँ जो कि हर बंगाली के घर पे संडे को होता है. संडे को होता है ऐसा एक हम बोलते हैं कि संडे को पापा सबका छुट्टी रहता है. तो बंगाली में क्या होता है कि यूजुअली संडे को चिकन होता है. हाँ, तो ये एक रिवाज जैसा हो गया है. सो मैं आज वही बंगाली की एक चिकन का डिश बना रही हूँ. तो ये आप सोचेंगे कि चिकन तो चिकन का ही होता है कि गाइस ये थोड़ा लाइट चिकन है. इसका एक हम लोग बंगाली में बोलते हैं मुर्गी पातला झोल. ये हेल्दी भी होता है, इतना रिच नहीं होता ये खाने में. तो आप लोगों को डाइजेस्ट करने में भी इसको बहुत आसानी से हो जाता है, कोई गैस किसी का प्रॉब्लम नहीं होता. ये इसीलिए लाइट करके हम बनाते हैं. तो इसको हम बंगाली में पातला झोल बोलते हैं. तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे चिकन लाइट चिकन बनाती हूँ, जो कि बेसिकली बहुत सिंपल डिश है. बहुत सिंपल, कोई भी देख के आराम से बना सकती है. यही मेन रीजन था आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने के लिए. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. गाइज, ये रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए लहसुन, गार्लिक, अदरक, जिंजर, अनियन, प्याज, टमाटर, आलू चाहिए और हरी मिर्च चाहिए. ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आज ये हमारी चिकन पे यूज करने वाली हूँ. तो पहले इसको क्या करना है, इसको मुझे ग्राइंड कर लेना है. तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ तब तक. तो गाइस बेसिकली मेरे पास ग्राइंडर मशीन नहीं है, तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से इसको मैं ग्राइंड करती हूँ. मैं कोई भी सब्जी अगर करती हूँ तो इससे ही करती हूँ. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये जो अनियन है और जो इसमें अनियन, टमाटर, गार्लिक, लहसुन, हरी मिर्च दे देना है ग्राइंड करने के लिए. तो गाइस हमारा जो यहाँ पे जो मैंने एक ग्राइंडर से ग्राइंड किया था मसाला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है, तो ये क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से होता है, हैंड ब्लेंडर में उतना अच्छे से नहीं होता, बारीकी से पेस्ट नहीं होता है, कुछ ऐसा आया. बट आई थिंक वो जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उससे थोड़ा बेटर ब्लेंडिंग होता है इसका. तो ठीक है, ये अब तक मेरा हो चुका है मसाला रेडी. एंड यहाँ पे मैंने करीबन मैंने यहाँ पे हाफ किलो चिकन लिया है जिसको मैंने सॉल्ट से मैरिनेट करके रख दिया है. करीबन आधा घंटा एक घंटा हो गया मैंने इसको रख दिया है. तो अभी मेरा काम जो है वो है, ज्यादातर व्यूअर्स अगर देखेंगे कि नॉन बंगाली जो मेरे व्यूअर्स हैं तो वो शायद बोलेंगे कि आलू कौन देता है मटन, सॉरी चिकन में आलू कौन देता है चिकन में. बट हम लोग बंगालीज आलू देते हैं सब चीज में, क्योंकि
आलू हमारे लिए एक इमोशन है, लाइक ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है गाइस। अभी आप कभी ट्राई कीजिए एक बार चिकन करी, और मैं जैसे चिकन बनाता हूँ वहाँ पे आलू देने का, लाइक पोटैटो देने का, तो एक अलग सा टेस्ट आता है। आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि मैं सही थी या गलत थी। तो गाइस मैंने पैन ऑलरेडी बैठा दिया है, लेकिन मुझे लाइटर नहीं मिल रहा है। लाइटर मिल गया, पता है पहले मुझे गैस ऑन करने में इतना डर लगता था लाइक मतलब जैसे कुछ हो जाएगा ऐसा डर लगता था, बट अभी धीरे धीरे मैं यूज टू हो रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बैठा दिया है, इसमें थोड़ा पानी है, ये सूख करेगा। ये मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। अभी क्या कर रही हूँ मैं गाइस, ये जो मस्टर्ड ऑयल है तो मैं इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल दे रही हूँ। गाइस मेरा तेल गरम हो गया है, अभी मैं धीरे धीरे छोड़ रही हूँ आलू इसमें, बहुत धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा नहीं तो हाथ में लग जाएगा। मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली इसको कवर कर देना है कि ये मुझ पे ना छिटके, तो इसको मैं कवर कर दिया है यहाँ पे, इसको होने देती हूँ। आलू आपको 70% कुक करना है, लाइक 70% इसको फ्राई करना है, बाकी आप जब चिकन में डालेंगे तब वो अपने आप से ही हो जाएगा, तो आपको 70% ही कुक करना है, ठीक है। अब ये हो रहा है, ये जब तक हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिम्बा क्या कर। सिम्बा सिम्बू बा सिम्बू हेलो करे दाओ, सबाई के एकटू हेलो हेलो करे दाओ, हेलो करे दाओ। अरे यार हेलो कर, इसका अभी खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि इस बंदी को मैंने एग राइस दिया था लंच में, एग राइस दिया था, इसको पसंद नहीं है एग राइस, वैसे ही रखा है एग राइस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक राइस वैसे ही रखा है, एक भी उसने टच ही नहीं किया इसने, अभी लैपटॉप के पीछे बैठा है। गाइस मेरा आलू पक चुका है, मैंने जो आलू बैठाया था वो ऑलरेडी पक चुका है। अभी मैं यहाँ पे टिश्यू दे के रखी हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा 70% कुक किया हुआ आलू है। अभी जो मैं करने वाली हूँ वो है इसमें थोड़ा सा जीरा,
थोड़ा सा जीरा और मेरा एक्चुअली तेज पत्ता नीचे रखा हुआ था तो मुझसे उसे सो ये तेज पत्ता मैं मेरी घर के पेड़ से लेके आई हूँ. मेरे घर पे तेज पत्ता का पेड़ है तो वहां से मैं लेके आई हूँ तेज पत्ता. ठीक है और यहाँ पे जो मैंने इसको थोड़ा हम भून लेंगे अच्छे से. तो अभी हम इसमें हमारा जो पेस्ट बना के रखी थी मैं इसको हम डाल देंगे धीरे धीरे. फ्लेम कम ही रखिएगा. मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से. ऐसा है जैसे कि मैंने आपको बोला था ग्राइंडर में करने से ज्यादा अच्छे से होता है. मैंने ये हैंड ब्लेंडर में किया है. सो इसको मैं अभी ओह माय गॉड ये ज्यादा फूट रहा है. फटा दिए वो सभी दे दे रही है. अभी इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से. दिखाई दे रहा होगा कि नहीं मैं सामने लेके आती हूँ. और गाइस मेरा मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है अच्छे से. और मसाला भूनने का एक अच्छा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ वो क्या है. जब आप बहुत कोई जानते हैं फिर भी मैं बता दे रही हूँ जो नहीं जानते हैं. लाइक मसाला होने के बाद मसाले के साइड से जो ऑयल है वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा. तब आपको पता चलेगा कि नहीं आपका मसाला अच्छे से पक रहा है और पक गया है. जितना अच्छे से आप मसाला को पकाएंगे उतना अच्छा आपका डिश प्रिपेयर होगा. सो थोड़ा पेशेंस लेके अच्छे से मसाला को भून लीजिए. अभी मसाला पक चुका है उसके अंदर से तेल भी निकल के आया है. अभी मुझे क्या करना है ये जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रख दिया है इसको अभी इसमें मुझे डाल देना है. इसको इसमें डाल देना है. सो मैं यहाँ पे मेरा जो चिकन है इसको मैं सारा डाल देती हूँ इसमें. इसको हम अच्छे से इसके अंदर थोड़ा पास लेके आती हूँ कैमरा. हमें इसको अच्छे से इसके ऊपर से कर देना है. जबी भी आप खाना कुछ बनाएंगे जिसमें पानी के यूज होगा जिसमें तो उसमें हमेशा आप गर्म पानी देने की कोशिश कीजिएगा. क्योंकि गर्म पानी आपके खाने को बिल्कुल बरकरार टेस्ट रखता है आपके खाने को और जल्दी से कुक भी हो जाता है तो आपके लिए अच्छा है. गैस भी बच जाता है और अच्छे से खाने का टेस्ट भी सेम ही रहता है. सो ये है गर्म पानी का एक राज. तो मैं गाइस यहाँ पे ऑलरेडी गरम पानी मैं दे चुकी हूँ
और ये मैंने वीडियो में नहीं लाया क्योंकि मैं भूल गई थी, सो इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने जो गर्म पानी बैठाया था ये थोड़ा पकने के बाद मैंने गर्म पानी इसमें डाल दिया, उसके साथ साथ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा चीनी भी डाल दिया मैंने बैलेंस होने के लिए। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये लाल लाल जो मिर्ची है इसको काटना है और इसमें डाल देना है ना सिंपल काम। मसाला खत्म हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे गरम मसाला नहीं डाला, आप चाहे तो थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे मीट मसाला डाल दिया, सॉरी चिकन मसाला डाल दिया, तो मैं वो मसाला इसमें डाल दिया। बट आप अगर गरम मसाला है आपके घर पे तो आप गरम मसाला ही डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मेरा ये हो चुका है, अभी मैं इसको फ्लेम को ऑफ करूँगी। एक झटका सा बॉईल लेके थोड़ा हाई फ्लेम लेके हमारा चिकन रेडी। ओह माय गॉड, वाओ गाइस, मेरा ये सिंपल सा जो चिकन है, हेल्दी टेस्टी चिकन, ये ख़त्म हो चुका है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से धनिया जो है ये गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया मैं दे देती हूँ, जो कि और थोड़ा फ्लेवर लाए, एंड एक मिर्ची। रेसिपी आपको कैसा लगा ये प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, मुझे बताइएगा। एंड ये ब्लॉग अगर आपको कहीं पे भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, एंड प्लीज सपोर्ट कीजिए जैसे आप अभी तक मुझे सपोर्ट किया आते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि नया नया कुछ कंटेंट बनाऊँ आपके लिए, कुछ नया चीजें लाऊं आपके साथ शेयर करूँ, एंड यही मेरी कोशिश है। So that's all. Thank you.